अगर अभी आप दुखी हो भक्ति करने के बाद भी, उसका मतलब भक्ति नहीं कर रहे क्या? अगर दुखी हो भक्ति करने के बाद भी तो उसका मतलब भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान की बात तो गलत हो नहीं सकती। तो गलती कहाँ है, हम में कि भगवान में? और गलती कहाँ हो सकती है कि हम भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे। भक्त को दुख होते ही, भक्त को दुख होते ही नहीं। दूसरा व्यक्ति सोच रहा होगा और ये बड़ा दुखी है। अच्छा, कहाँ से दुखी होगा? अभी तक दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो कि आपके दुख को मेजर कर सके। है प्रभु जी कोई इंस्ट्रूमेंट मेडिकल साइंस में? अब मैं बोलता नहीं, अब तो उतने दुखी हो सकते हो जितना चाहते हो। तो भक्त को नहीं होता, वो भक्ति नहीं कर रहा अभी, उसको और भक्ति को शुद्धता के लेवल पे ले जाना पड़ेगा। दुखी नहीं होता कभी, परंतु उतना ही। ये नहीं कि भगवान कहते हैं 100, जब तू 100 भक्ति करेगा तभी मैं ले जाऊंगा सारे तेरे पापों से तुझे मुक्त करूंगा, क्योंकि दुख का कारण पाप है। भगवान दुखों का कहीं नहीं कहा कि दुख को हर लूंगा, भगवान कहते हैं पापों को समाप्त करता। तो पाप जो है उतने ही गायब होते हैं जितने आप शरणागत होते हो, भक्ति करते हो। तो दैट इज, वो गलती हमारी है, भगवान के शब्दों में नहीं। आप जितना ठंड के अंदर अग्नि के पास जाओगे उतनी तो गर्मी महसूस करोगे। अब आप 2 किलोमीटर दूर हो, आ गर्मी देती है, मैंने पढ़ा था, कौन दे रही है? अब 2 किलोमीटर पे आग रख रखी, कहाँ से मिलेगी गर्मी तो? हैं, मिलेगी? समझ में आया? तो भगवान का स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता। तो पापों का नाश, प्रभुपाद जी को पढ़ रहा था, कोई अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि जिस एक्शन का रिएक्शन होगा वो पाप है। हिंदी में क्या कहेंगे? जिस कार्य की प्रतिक्रिया हो, है ना, जिस कार्य की प्रतिक्रिया हो अर्थात जिस एक्शन का रिएक्शन होगा वो पाप है। हाँ जी, पढ़ रहा था। मैंने कहा तो बड़ा जबरदस्त परिभाषा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट ये कहा कि एक्शन एंड रिएक्शन। बोले लोग दान करते हैं, उसमें दान में क्रिया हुई तो परिक्रिया में मिलेगी। परिक्रिया क्या है? परिक्रिया ये है कि उसको अगले जन्म के अंदर उससे 5 गुना 10 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिलेगा, परंतु उसको आना तो यहीं पड़ेगा लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, गर्भ का दुख तो उसको भी सहन करना पड़ेगा। जिस जो पापी है उसको भी गर्भ का दुख मिलेगा, और जिसने अनाप शनाप दान पुण्य किया है उसको भी गर्भ का दुख मिलेगा। इक्वल है, उसको अंदर थोड़ी सोफा सेट मिलेगा माँ के गर्भ में, है वहां डरलप थोड़ी मिलेगा। गर्भापति के घर में ही पैदा हो जाओगे प्रभु जी, माँ का गर्भ में तो जो हालत हुई है वो तो, जो गरीब के घर में हो रही है माँ के गर्भ में वो तो बराबर है। क्या है, जोरदार उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, एक्शन रिएक्शन। और फिर जितना ज्यादा मिलेगा जब वो जाएगा उतना ज्यादा दुख भी हो। आप बताओ, जेब में से अठन्नी गिर जाए दुख होता है, परंतु थी अठन्नी आपके पास और वो गिर जाए तो महा दुख होता है। और अठन्नी जैसी सोने का सिक्का और वो गिर जाए तो है? उसका मतलब जितना ज्यादा होगा तो ये कहां से पुण्य हुआ? ये पुण्य आज आपके पास जो भौतिक ज्ञान आ रहा है, ये 6 ऐश्वर्य जो भी आ रहे हैं, ये पिछले जन्म के एक्शन रिएक्शन है, ये पिछले जन्म के क्रिया प्रक्रिया है, ये जाने के लिए आया है। क्या, जो भी यहाँ आया है ना, जीवन मिला है वो जाने के लिए मिला है, और फिर भी लोग छोड़ते नहीं है, फिर भी लोग छोड़ते नहीं है, क्योंकि बचपन से वस्तु ज्ञान नहीं दिया। मैं यात्रा पहले बताता भी हूँ कि वस्तु ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं चर्चा कर रहा था डिवोटी साहब, मैंने कहा वस्तु ज्ञान होना चाहिए। वस्तु 2 प्रकार की, एक सनातन और एक अस्थाई। वस्तु ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बच्चों का उदाहरण नहीं देते, 2000 का नोट रख दो, चिल्लर रख दो तो चिल्लर उठा लेगा, 50 पैसे वाली नोट नहीं उठाएगा, उसको वस्तु ज्ञान नहीं, उसे चिल्लर में और नोट में फर्क नहीं है। तो ये वस्तु है, वस्तु ज्ञान नहीं, आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वॉट इज इंटेलिजेंट मैन, हु इज इंटेलिजेंट मैन, वॉट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो कि चेतन और जड़ का भेद करना जानता। तो इंटेलिजेंट नहीं कहना चाहिए उसको, अंग्रेजी में कहना चाहिए वाइज मैन। क्या कहना चाहिए,
और हिंदी में क्या कहेंगे उसको? विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष है। बुद्धिमान तो बुद्धि वाले को भी, इंटेलिजेंस को, जो जड़ और चेतन का भेद जानता है। इसलिए इनका प्रश्न था, क्या प्रश्न? हाँ, भक्ति करें दुखी नहीं, तो जड़ चेतन का ज्ञान पता है, क्लियर है, वो जानते हैं क्लियरली जड़ का काम है दुख देना, जड़ के संसर्ग में रहोगे दुखी होगे। तो तुमने जाते बताया कष्ट और दुख में फर्क, कष्ट और दुख में फर्क। जरूरी नहीं कष्ट दुख में परिवर्तित हो जाए, कष्ट आ सकते हैं, गर्मी हो सकती है कष्ट, परंतु आप उसे दुखी हो ये जरूरी थोड़ी है, समझ रहे हो ना? शरीर में व्याधि हो सकती है तो कष्ट, परंतु वो दुख में परिवर्तित हो जाए ये जरूरी नहीं है आपके हाथ में, समझ में आया? इसको भेद करना सीखो। दुख तो इंटरनल है, क्या है? कष्ट बाहरी है। तो भक्त कभी दुखी नहीं होता, तो हमको भक्ति और बढ़ानी है, तो दुख जो है वो कष्ट आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया दुखाल्य दुखों का घर, परंतु भक्ति वो भक्ति वो तरीका है जिससे दुखाल्य में रह के भी दुखों का असर ना हो। सांपों को कंट्रोल करो, इंद्रियों क्या कहा है? सर्प समान, तो बीण बजाओ, बीण। सांप कैसे कंट्रोल करते हैं? आ गया ना बीण, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बीण है क्या? मोबाइल में सोचा मैं उत्तर दूं पहले, तो बीण बजाओ, बिकम गुड सपेरा, क्या? तो गुरुजी हम तो भक्त बनने आए थे, आप सपेरा बना रहे हैं। हाँ, ये इंद्रियां क्या बताइए इनको? सर्प है, सर्प, सर्प समान।